अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। आज की नशरियत में आपका खैर मकदम करता हूं नाज़रीन। तेलंगाना के डिप्टी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस इंटरनेशनल ऑफ काउंसिल की जानिब से फलकनुमा पुलिस हदूद में मुफ्त मास्क तकसीम किए गए। इसका मकसद अवाम में शऊर बेदार करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा 4 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल। कोरोना और ओमिक्रॉन की इस पेचीदा सूरत हाल का मुकाबला अवाम अज खुद एहतियात बरतते हुए और एहतियात करते हुए इसका मुकाबला किया जा सकता है, बशर्ते के अवाम एहतियात बरते। GHMC हुदूद में केसेस में 4 गुना इजाफा बायसे तश्वीश है। ह्यूमन राइट्स तेलंगाना डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर खलील खान और सैयद शौकत अली सदर ह्यूमन राइट्स बहादुरपुरा जोन और दीगर ने आज मस्जिद सालेहीन वाक़े सालेहीन कॉलोनी रोड पर ह्यूमन राइट्स सदर शाह मोहम्मद शेख की हिदायत पर बग़ैर मास्क पहने राहगीरों को तरगीबी तौर पर और आवाम में मुफ्त मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट बहादुरपुरा जोन मिस्टर सिराजुद्दीन के अलावा सलीम साहब और डॉक्टर सलीम एस के सुल्तान मुराद साहब सादिक अली जाफर भाई और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद शौकत अली और मोहम्मद खलील खान ने अवाम को इस बात की तलखीन की कि अवाम मास्क का इस्तेमाल करे और बार बार अपने हाथों की सफाई करे। बहरहाल इस सिलसिले में मीडिया से उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यह सोशल जस्टिस ह्यूमन राइट्स की तरफ से हुआ और मैं मोहम्मद खलील खान तेलंगाना स्टेट डिप्टी सेक्रेटरी और हमारे बहादुरपुर के बहुत जल्द होने वाले मोहम्मद शौकत साहब जो बहादुरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन साहब और हमारी पूरी टीम जिसमें सलीम साहब भी है। नाब साहब कुंटा सालेन कॉलोनी में आज मास्क का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पूरे शहर की पुलिस हर गली गली में अवेयरनेस प्रोग्राम लगा रही है और पुलिस जो काम कर रही है हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे ह्यूमन राइट शौकत अली साहब के तरफ से और हमारे तरफ से मोहम्मद खलील खान की तरफ से ह्यूमन राइट के तरफ से और ये प्रोग्राम हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद शेख शाह साहब के कहने पे हम ये प्रोग्राम करें। और मेरा अपील है पूरे हैदराबाद शहर के पूरे अल्लाह दिया पैसे वाले लोगों से कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर गली में आप लोग बाहर निकल के एक 5 मिनट का वक्त निकाल के टाइम निकाल के रोड पर ठहर के मास्क जिसको भी मास्क नहीं है उनको मास्क पिलाना चाहिए ताकि एक को देख के एक ये काम चलता रहेगा तो पूरे टोटल हैदराबाद शहर के अंदर मास्क लग जाएगा। 100% लोग मास्क लगा लेंगे क्योंकि हैदराबाद में हमारे CM साहब का कहना ये है, गवर्नमेंट का कहना ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि मास्क लगाओ और दूरी अख्तियार करो 6 फीट 4 फीट ताकि बीमारी से हम बच सके। एक आदमी को भी बीमारी आ गई तो उन्हें 10 को ले कर ख़त्म हो रहा, खुद भी परेशान हो रहा, दवाखाने में गए तो 15 से 20 लाख रुपए लग रहे उसके बावजूद भी उसकी जान बच के नहीं आ रही। तो ये पैसों से बचना, ये बीमारी से बचने का एक ही काम है कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो। नमाज़ पढ़े तो 5 टाइम हाथ धो लेते, इत्तेफाक से नमाज नहीं पढ़ रहा तो मैं गैर कौम के लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग 5 टाइम हाथ धो लो। हमारे नबी का जो कहना है वो तरीके यही है कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, 5 टाइम मुँह हाथ धो। तो गवर्नमेंट भी आज यही बोल रही कि 5 टाइम अपने हाथ को धो। तो गैर कौम के लोग जितने भी है वो लोग 5 टाइम हाथ धोना। और मुसलमानों से मेरी अपील है, जवान बच्चे लोग से अपील है, बूढ़ों से अपील है कि वो लोग 5 टाइम नमाज़ पढ़े तो उनके हाथ 5 टाइम धोए जाता। और मास्क पहनो और दूरी अख्तियार करो और अपने कारोबार बहुत ही अच्छे अंदाज पे करो। कोई बीमारी आने वाली नहीं है आपको, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अगर इसको अख्तियार नहीं करेंगे हम गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेंगे, जो पुलिस गली गली जो अवेयरनेस प्रोग्राम लगा के जो काम मेहनत कर रही उनकी बात हम नहीं सुनेंगे तो आप बीमार होंगे और आप तो जाएंगे साथ में महल्ले के लोगों को लेके जाएंगे। तो इतना कहते हुए मैं ह्यूमन राइट की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है
और हम ह्यूमन राइट के तरफ से पूरे हैदराबाद शहर के हर गली में प्रोग्राम इंशाल्लाह कल से करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारे को अल्लाह ताकत दिया, जब तक ये काम हम करते रहेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे अपने तकरीर को छोटी मोटी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और एक दो बात हमारे ये बहादुरपुरा ह्यूमन राइट के शौकत अली साहब जो सदर है उनसे भी दो मिनट बात करो, बल्कि मैं मेरा ख्वाहिश है बात करो बल्कि। अस्सलाम वालेकुम। ये वबा एक ऐसी बीमारी है, डिस्टेंट अगर मास्क अगर नहीं अपन इख्तियार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा। जितना भी लोग है डिस्टेंट मेंटेन करिए और नमाज की पाबंदी करिए और मास्क कंपलसरी है। हर एक का कहना है कि मास्क आप पहनिए। ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से जितने भी लोग देख रहे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले पूरे ये काम कर रहे हैं और लोगों को भी बोले कि ये काम करने से बहुत फ़ायदे रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और एक छोटी बात, मैं ह्यूमन राइट की तरफ से ये जे चैनल को तय दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारी टीम, क्योंकि हमेशा हमारे अच्छे काम में उन्होंने आगे बढ़ते हैं। और जावेद भाई का ख़ास तौर पे हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और एक बात मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, मैं मास्क जब लगा रहा था तो मास्क लगाने की गड़बड़ी में मेरा मास्क निकल के गिर गया, तो आप लोग ये मत समझो कि मास्क लगाने वाला मास्क नहीं लगाया। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा मास्क गिर जाने की वजह से मेरे फ़ोटो में मास्क नहीं होंगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं मास्क लगा के सबको मास्क लगा रहा था। मैं इतना कहते हुए मैं ह्यूमन राइट की तरफ से आपका तहे दिल का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।